बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अरफात टॉक्स में नई मौजू के साथ मैं हूँ आपके साथ यासिर अरफात, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉर्मल डाइनिंग करते हुए आपने किन टेबल मैनर्स को फॉलो करना है। व्हेन इट कम्स अबाउट टेबल मैनर्स, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम टेबल मैनर्स को क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स करने वाले लोगों को आइडिया है कि जब आप मीटिंग्स करते हैं तो मीटिंग्स के आखिर पर आपको डाइनिंग करनी पड़ती है, आप हाई टी करते हैं। सो हाई टी करते हुए या फॉर्मल डाइनिंग करते हुए आपको छोटी छोटी चीज़ों को मलहूज़े हद रखना पड़ता है, और यही छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं कि आप कितने ग्रूम्ड हैं, आपकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रूम्ड है। सो वो छोटी छोटी चीज़ें कौन सी हैं, हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स अबाउट टेबल मैनर्स, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप फॉर्मल डाइनिंग करते हैं तो आपकी बैठने की पोजीशन बहुत मैटर करती है। कुछ लोग फॉर्मल डाइनिंग करते हुए इस अंदाज से बैठते हैं कि दूसरों को सबलिमिनल मैसेज जा रहा होता है कि शायद वो बहुत थके हुए हैं या वो डिसइंटरेस्टेड हैं। सो आप जब फॉर्मल डाइनिंग करें तो आप प्रॉपरली बैठें, आप पूरी चेयर का इस्तेमाल करें, आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपने स्लोच पोजीशन में डाउन शोल्डर्स के साथ नहीं बैठना, एंड आप जब बैठे हुए हों तो योर एल्बोज शुड बी ऑफ द टेबल। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जब बैठते हैं तो वो अपने एल्बोज को टेबल पर प्लेस कर लेते हैं, और अपने एल्बोज को टेबल पर प्लेस करके वो फेस कपिंग करते हैं। सो आपने टेबल पर बैठते हुए फेस कपिंग नहीं करनी, आपने एल्बोज को टेबल पर प्लेस नहीं करना, बल्कि योर एल्बोज शुड बी ऑफ द टेबल। देन इट कम्स अबाउट कि जब आप बैठते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स को टेबल पर प्लेस कर देते हैं। आई मीन आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी गाड़ी की है, और लेडीज़ क्या करती हैं, अपने पर्स को, अपने कैचर को टेबल पर प्लेस कर देती हैं। सो आपने अपनी बिलोंगिंग्स को कभी भी टेबल पर प्लेस नहीं करना, बल्कि आपके पास गाड़ी की चाबियां हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप क्या करें, आप उनको पॉकेट्स में रखें, और लेडीज़ अपने पर्स को क्या करें, अपनी सीट के साथ कहीं प्लेस कर दें। देन इट कम्स अबाउट के जब आप डाइनिंग कर रहे होते हैं तो आपको कोई कॉल आ जाती है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप डाइनिंग करते हुए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। अगर स्विच ऑफ करना पॉसिबल नहीं है तो आप उसको साइलेंट मोड पे लगाएं, और ऑब्वियसली आजकल चूंकि डिजिटल वॉचेस जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं, तो अगर आपने साइलेंट मोड पे लगाया भी हो तो आपकी डिजिटल वॉच से आपको पता चल रहा होता है कि किन लोगों की कॉल्स आ रही हैं। तो आप क्या करें कि आप कभी भी टेबल पर बैठकर कॉल मत सुने, बल्कि आप एक्सक्यूज़ करें, और आप एक्सक्यूज़ करके अगर कॉल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप टेबल से हट के बाहर जाकर अपनी कॉल को सुन सकते हैं। नेक्स्ट मैनर ये है जी कि अगर आप देखते हैं कि आपके साथ हवातीन भी डाइनिंग कर रही हैं और कोई हतून एक्सक्यूज़ करती है, और जब वो एक्सक्यूज़ करके बाहर जाती है और जब वो वापस आती है टेबल को ज्वाइन करती है, तो उस रो में जितने भी मैन होंगे, जितने भी मर्द हजरात होंगे, वो उस औरत की ताज़ीम के लिए, उस औरत को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाएंगे। देन नेक्स्ट जो मैनर है, इट्स ऑल अबाउट कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो डाइनिंग कर रहे होते हैं तो अगर उनको खुदा ना हादसा खांसी आ रही है, उनको कफिंग हो रही है, या उनको फ्लू लगा हुआ है, तो वो टेबल पर बैठकर ही नोज़ को ब्लो करते हैं, नाक साफ करते हैं, या वो उधर ही खांसते होते हैं। अगर तो आपकी खांसी बियरेबल है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर बियरेबल नहीं है, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करें, आप एक्सक्यूज़ करें, और एक्सक्यूज़ करके आप रेस्ट रूम चले जाएं, आप रिलैक्स होके दोबारा वापस आ जाएं। और अगर खुदा ना हादसा आपको फ्लू लगा हुआ है, आप नाक को साफ करना चाह रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज़ करें और आप एक्सक्यूज़ करके रेस्ट रूम चले जाएं। देन इट कम्स अबाउट के कुछ लोग क्या करते हैं कि जब खाना खाते हुए उनको रेस्ट रूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, आई मीन के वाशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि वो बाकायदा अनाउंस करते हैं कि जी मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ या मैं वाशरूम जा रहा हूँ। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करें, आप सिंपली एक्सक्यूज़ कर दें कि एक्सक्यूज़ मी, आई विल बी बैक विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप वाशरूम जा रहे हैं। फिर इसमें नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है, आप चाह रहे हैं कि जी आपको कोई डिश जो है वो पास की जाए,
तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, ये फ्लान डिश पास कीजिएगा, ये बिरयानी पास कीजिएगा, ये कोरमा पास कीजिएगा, और जब आपको वो चीज़ पास हो जाए तो आप उसको थैंक यू बोलें। देन द लास्ट पॉइंट इज़ के जब आप डाइनिंग करते हैं तो अक्सर कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, आई मीन के कोई बर्तन नीचे गिर जाता है, गिर के टूट जाता है, तो अगर तो आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं तो आप खुद उसको पिक कर लें, लेकिन अगर आप इजीली उसको पिक नहीं कर रहे, वो टेबल के नीचे चला गया या वो टूट गया और आप समझते हैं कि उससे आपके हाथ डैमेज हो सकते हैं, तो आप फौरी तौर पर मैनेजर को या वेटर को कॉल कर लें और वो खुद उसको रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देगा या टूटे हुए बर्तन को उठा लेगा। इसी तरह अगर आप खाना खा रहे हैं और वेटर जब सर्व कर रहा था तो वेटर के सर्व करते हुए कोई भी खाना आपके कपड़ों पे गिर गया या आपके फेलो के कपड़ों पे गिर गया है, तो आपने पैनिक नहीं होना, आप सबसे पहले तो ट्राई ये करें कि आप पेपर नैपकिन से उसको साफ करने की कोशिश करें। अगर पेपर नैपकिन से वो साफ नहीं हो रहा तो आप क्या करें, आप अपने गेस्ट को, अपने फेलो को रेस्ट रूम ले जाएं और रेस्ट रूम जाकर आप उसको साफ करें, आप पैनिक ना हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने में कोई बग, कोई कीड़ा, कोई बाल, कोई इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो आपको नज़र आ जाती है, तो आप इस सूरत में पैनिक मत हो, ना ही दूसरों को आप पैनिक करें, बल्कि आप क्या करें, सिंपली आप वेटर को कॉल करें, आप मैनेजर को कॉल करें और आप उसको कहें कि वो उस बर्तन को, उस फूड आइटम को रिप्लेस कर दे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी जहरीली चीज़ खाने में आपको नज़र आई है, तो ना सिर्फ आप होटल के ओनर को, मैनेजर को रिपोर्ट करें, बल्कि आप उस जगह पर खाना मत खाएं। ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करने का बड़ा मकसद ये है कि हम अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें कि खाना खाना जो है वो सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, बल्कि खाना खाना एक आर्ट है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स अबाउट सिविल सर्विसेज, मिलिट्री एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आप लोगों को अब्रॉड जाना पड़ता है, वहाँ पर आप डेलीगेट्स के साथ मिलते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्मल डाइनिंग करनी पड़ती है, और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को मलहूसे हाथ रखते हैं तो ये चीज़ न सिर्फ आपकी अपनी एक ग्रूम पर्सनैलिटी का इजहार होता है, बल्कि आप अपने मुल्क की भी नुमाइंदगी करते हैं, और ऑब्वियसली जब आप अब्रॉड जाते हैं तो हर पाकिस्तानी अपने मुल्क का सफीर होता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं कि हम एक सिविलाइज्ड कौम है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि आप तक मेरी वीडियोज़ पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।